वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 21 है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हम स्टडी करेंगे वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ Z1 इक्वल टू -3+4 है, Z2 इक्वल टू 5-3 है। इट मीन्स यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट बोला है फाइंड Z1/Z2 एंड सेकंड बोला है 1/Z1+1/Z2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पता होना चाहिए। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ऐसे प्रॉब्लम्स की भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम में। इतने सिंपल प्रॉब्लम्स आने के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस मिस्टेक के वजह से सॉल्व प्रॉपरली कर नहीं पाते और उनके मार्क्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते, 2-3 ही मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो चलो यहां पे Z1/Z2 पहला हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले गिवन से हम स्टार्ट करेंगे, क्या दिया हुआ है वो हम यहां लिख लेंगे। सो गिवन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, पहला Z1 जो कि है -3+4i, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि दिया है 5-3i, ठीक है। और अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z1/Z2 फाइंड आउट करना है। तो हम यहां लिख लेंगे Z1/Z2, तो न्यूमरेटर में Z1 लिख लो जो कि है -3+4i, ओके। और डिनोमिनेटर में Z2 लिख लो जो कि है 5-3i। अब इनको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और डिनोमिनेटर भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, क्या ये डिवाइड होगा? अभी ये फिलहाल डिवाइड नहीं होगा। इसको डिवाइड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस क्या करना है, यहां पे जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका कॉन्जुगेट निकालना है और उससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। क्या कहा, देखो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, 5-3i। क्या करो, इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट निकालो। 5-3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5+3i। कॉन्जुगेट में आपको बस साइन चेंज करना है, यहां माइनस है तो कॉन्जुगेट में प्लस हो जाएगा। तो 5+3i जो कॉन्जुगेट है उससे ये पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। तो देखो ऐसा होगा, ये देखिए -3+4i, मतलब ये पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, बस ये फ्रैक्शन को हमें यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है कॉन्जुगेट से, माने 5+3i एंड न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये देखिए 5+3i से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहां पे ये पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो देखो मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, सो ब्रैकेट में -3+4i इंटू 5+3i डिवाइडेड बाय ये 5-3i 5+3i, ठीक है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, है ना, -3 × 5 हो जाएगा -15, -3 × 3i हो जाएगा -9i, 4i × 5 कर लो तो +20i, ठीक है। और ये 4i × 3i हो जाएगा +12i² और डिनोमिनेटर में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर में a-b a+b का फॉर्म है और a-b a+b क्या होता है, लिख के देते हैं, तो ये होता है a² - b² का फार्मूला लगता है यहां पे। a² - b² होता है a-b × a+b, या ऐसा बोलो a+b × a-b, एक ही बात है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर a+b a-b के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर में a² - b² लिख सकते हैं। a की वैल्यू है 5 एंड b की वैल्यू है 3i, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे a² यानी 5² और यहां पे 3i का स्क्वायर माइनस के साथ, माइनस में 3i² ये देखिए ऐसा, बस इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो, देखो ये कहां तक जाएगा। सो -15 और ये 9i और 20i में यहां पे सब्सट्रैक्शन करो, -15 और ये दोनों का हो जाएगा +11i और लास्ट में देखो 12i² लिखा है, तो ये हो जाएगा -12 क्योंकि i² यानी -1 होता है। आप चाहे तो यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां पे i² का वैल्यू यहां लिख देते हैं, अगले स्टेप में यहां पे माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये 5² यानी 25 माइनस ये 3i², तो 3i का होल स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 9, ओके। और i² का हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहां पे वो भी हम साइड में लिख के देते हैं कि i² यानी -1 होता है, तो यहां पे i² न्यूमरेटर में, यहां -1 और डिनोमिनेटर में भी -1। और अब देखो ये कहां तक रिड्यूस होगा,
तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 12, ये 11 आए और ये माइनस 12 माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 27 प्लस ऑफ 11 आए, ये हो गया न्यूमरेटर फाइनल। और डिनोमिनेटर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। और अब इसको स्प्लिट करो, मतलब रियल टर्म अलग करो, इमेजिनरी टर्म अलग करो, तो ये हो जाएगा माइनस 27 बाय 34, ये रियल टर्म, और इमेजिनरी टर्म की अगर बात करें तो प्लस 11 बाय 34 ऑफ आई। तो फाइनली हमने Z1 बाय Z2 का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। देखो ये रिजल्ट हमें मिला है Z1 बाय Z2 का रिजल्ट, देखो ये आएगा, ये है Z1 बाय Z2 माइनस 27 बाय 34 प्लस 11 बाय 34 आए। और आपको एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं आपको इसी तरह से लिखना है, रियल टर्म अलग और इमेजिनरी टर्म अलग। यहां पे हमने रियल टर्म अलग लिखे जिसमें आई नहीं है, और ये इमेजिनरी टर्म है जिसमें आई है। और इस तरह से ये फर्स्ट बीट जो है यहां पे सॉल्व हो गया, फर्स्ट बीट का ये इतना आंसर आपके सामने है, ठीक है। और अब चलो सेकंड बीट की तरफ चलते हैं, 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड बीट के लिए हमने इधर जगह बना लिए हैं, चलो अब यहां पे सेकंड बीट सॉल्व करेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहां पे करेंगे Z1 Z2 तो हमें पता है, बस यहां पे वैल्यूज पहले पुट करो। 1 बाय Z1 यानी Z1 है माइनस 3 प्लस 4 आए, ठीक है ना, प्लस Z2 यानी 5 माइनस 3 आए, तो 1 बाय 5 माइनस 3 आए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे भी वही करो जो इसके पहले किए थे, पहले फ्रैक्शन में और दूसरे फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शन में ये चीजें करो। मतलब पहले फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और दूसरे फ्रैक्शन को भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो देखो हम यहां पे करेंगे, सो ये डिनोमिनेटर में क्या है, देखो माइनस 3 प्लस 4 आए, सो माइनस 3 प्लस 4 आए का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 आए, ठीक है। बस यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, तो इससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब ऐसा होगा, देखो माइनस 3 माइनस 4 आए, न्यूमरेटर में भी आया, माइनस 3 प्लस 4 आए, माइनस 3 माइनस 4 आए, ये देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिए पहले फ्रैक्शन में, देखो माइनस 3 माइनस 4 आए, माइनस 3 माइनस 4 आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। बिल्कुल सेम चीज वहां भी करनी है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, 5 माइनस 3 है, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 प्लस 3 है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 5 प्लस 3 आए, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 आए एंड 5 प्लस 3 आए, ये देखिए। और अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप वाइज चलो, ऐसे जगह गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्टेप वाइज चलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे जगह फास्ट में सॉल्व करते हैं, नहीं फास्ट में सॉल्व मत करो, गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फिर आराम से सॉल्व करो। तो यहां पे देखो न्यूमरेटर तो फिलहाल एज इट इज रखो, माइनस 3 माइनस 4 आए, न्यूमरेटर एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, यहां पे भी और यहां पे भी, तो यहां पे ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर का फॉर्म तैयार करो जैसे हमने इसके पहले के बिट में किए थे। तो ये हो जाएगा पहला माइनस 3 का स्क्योर माइनस 4 आए का स्क्योर, ठीक है इसमें, और यहां पे 5 प्लस 3 आए, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 स्क्योर माइनस ऑफ 3 आए का स्क्योर, ये देखिए, ये देखिए ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर, इसमें भी ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर, ठीक है, ए और बी का वैल्यू रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर फिर से एज इट इज माइनस 3 माइनस 4 आए, और डिनोमिनेटर में माइनस 3 का स्क्योर यानी 9, और यहां पे 4 आए का होल स्क्योर, 4 का स्क्योर 16, और आई स्क्योर यानी माइनस 1, यानी यहां पे 16 इंटू माइनस 1, और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस ऑफ 16 हो जाएगा इनडायरेक्टली। ये प्लस कैसे आया समझ में आया, हमने यहां पे डायरेक्ट लिख लिए, इसके पहले देखो यहां पे जो किए थे उसके तरफ ध्यान दो, देखो यहां पे 3 आई स्क्योर था, तो 3 का स्क्योर 9 किए थे, और आई स्क्योर यानी माइनस 1 हुआ था, आई स्क्योर यानी माइनस 1, ठीक है ना, तो और ये माइनस प्लस हुआ था, है ना, यहां पे हमने डायरेक्टली वही कर रहे हैं, 4 आई का होल स्क्योर, 4 का स्क्योर 16, आई का स्क्योर आई स्क्योर, और वो माइनस 1, माइनस 1 इंटू ये माइनस प्लस प्लस 16, ठीक है। यहां पे भी हम करते हैं 5 प्लस 3 आए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 स्क्योर यानी 25, ठीक है, एक मिनट ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में 25, और ये प्लस हो जाएगा 9 इस तरह से। और अब बस यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करो, माइनस 3 माइनस 4 आए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 25, और प्लस 5 प्लस 3 आए, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 34। तो यहां तक समझ में आया, अब आगे क्या करेंगे, अब हमें
आपको पता है कि इसके पहले हमने जो किए थे उसी तरह से, जैसे इसके पहले जो हमने लास्ट आंसर निकाले थे उसमें आप देख सकते हैं रियल टर्म अलग है, इमेजिनरी टर्म अलग है, तो यहां पे भी हमें उसी तरह से निकालना है, रियल टर्म अलग करना है, इमेजिनरी टर्म अलग करना है। तो एक काम करो, ये दोनों को स्प्लिट करो, ठीक है ना, इसको स्प्लिट करो, अभी यहां पे दो टर्म्स है तो स्प्लिट करके इसकी चार टर्म्स बन जाएंगी, फिर रियल टर्म अलग ले लेना और इमेजिनरी टर्म अलग ले लेना, ठीक है। तो चलो हम यहां पे स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3/25, ये पहला टर्म, फिर ये हो जाएगा माइनस 4/25 ऑफ आई, इसमें आई रहेगा, ठीक है। अब यहां पे प्लस 5/34, ठीक है ना, प्लस 3/34 ऑफ आई, ये देखिए। अब इसमें रियल टर्म को अलग करो, रियल टर्म मतलब देखो माइनस 3/25 प्लस 5/34, ये हो गया रियल टर्म जिसमें आई नहीं है, इन दोनों में आई नहीं है तो हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए, और इन दोनों में आई है तो आई कॉमन ले लो, सो प्लस आई कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म पहले लिख लो 3/34 वाला, क्योंकि वो प्लस में है, और ये टर्म बाद में लिख लो माइनस 4/25, ठीक है, और यहां लगा दो आई, ये देखिए, ओके। और अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, पहले ब्रैकेट में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दूसरे ब्रैकेट में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है वो लिखो, रियल टर्म अलग है, इमेजिनरी टर्म अलग है, तो जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और नीचे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा 23/850 ये आएगा, ये रियल टर्म जो है ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आंसर आएगा, और ये इमेजिनरी टर्म का जब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे तो इसका आंसर आया था -61/850, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहां पे आप प्लस दो या माइनस दो, चलो यहां प्लस दे देते हैं और माइनस वाला अलग लेते हैं, -61/850 और सामने लगा दो आए, ठीक है, और यहां तक हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 1/Z1 प्लस 1/Z2 फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हमने ये जो फाइंड आउट किए हैं यही इसका फाइनल आंसर है, 1/Z1 प्लस 1/Z2 जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। देखिए ये सॉल्यूशन हमें मिला है, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करो, या तो अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो जैसा हमने कहा इसको मैन्युअली करो, मैन्युअली आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे ये सॉल्व नहीं होगा इसलिए हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक सिंगल स्क्रीन में पूरा सॉल्यूशन आ जाए, देखिए ये सिंगल स्क्रीन में आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहा है, तो ये देखिए फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये देखिए, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, ये फर्स्ट बिट Z1/Z2 का सॉल्यूशन और ये सेकंड बिट जिसमें 1/Z1 प्लस 1/Z2 हमने फाइंड आउट किए, और दोनों में आप देख सकते हैं रियल टर्म इमेजिनरी टर्म हमने अलग अलग करा के शो किया है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही ये सॉल्व करना है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए सब कुछ आपको समझ में आया होगा, पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल हमने जो स्टेप वाइज किए सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम जब एग्जाम में आते हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आप जरूर अपने प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके देखना। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 21। इसके पहले के लेक्चर्स में इसके जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।